देखो चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कैप्लस लॉ पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे हमने गुरुत्व त्वरण पढ़ना है, ठीक है ना। और गुरुत्व त्वरण जो जी का वैल्यू है वो किस किस चीज़ के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और पढ़ेंगे इसमें गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा और गुरुत्व व्यू, मतलब छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, जल्दी से 3-4-5 दिन में निपट जाएगा चैप्टर्स, ठीक है ना। देखो गुरुत्वाकर्षण अगर इसके डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले इसका हिस्ट्री पे अगर थोड़ा सा नज़र डालें तो गुरुत्वाकर्षण नियम कहाँ से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, आर्यभट्ट ने, ठीक है ना। आर्यभट्ट ने सबसे पहले ये सजेस्ट किया था, ठीक, कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो हमारा सौरमंडल है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, पहले 9 ग्रह थे, अब 8 ग्रह और एक सन है। तो जो आर्यभट्ट है उन्होंने ये बताया था कि जो सन है वो सेंटर पर है, ठीक ना, और इसके चारों ओर अलग अलग कक्षाओं पे सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, घूमते हैं। जैसे यहाँ पे अलग अलग प्लैनेट्स क्या करेंगे, घूमेंगे, ठीक ना। सारे प्लैनेट्स किस में घूमते हैं, वृत्तीय कक्षा में घूमते हैं। तो सबसे पहले आर्यभट्ट का ये स्टेटमेंट था कि सन हमारा रेस्ट पे होता है, मतलब रुका हुआ है, और उसके चारों सारे प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, घूमते हैं, ठीक ना। ये थ्योरी लगभग 500 ईसा वर्ष पूर्व की है, मतलब जब से ईसवी स्टार्ट हुआ है उनसे 500 साल पहले, मतलब अभी से 2500 साल पहले आर्यभट्ट ने हमें ये बताया था कि सन हमारे सेंटर पर है, मतलब हमारा सोलर सिस्टम जो है, इस सोलर सिस्टम का सेंटर कौन है, सन। लेकिन उसी समय में जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है, ठीक ना, वेस्टर्न जो कंट्रीज है उसमें ये थ्योरी डेवलप किया उन्होंने ये थ्योरी डेवलप किया था कि अर्थ हमारे सेंटर, सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो क्या है, अर्थ है, ठीक ना। और अर्थ के चारों ओर जितने भी प्लैनेट्स है वो सारे प्लैनेट्स अर्थ के चारों ओर घूमते हैं, और प्लस जो हमारा सूर्य है, सन है, वो भी क्या करता है, अर्थ के चारों ओर घूमता है। तो वेस्टर्न कल्चर में या वेस्टर्न जो हमारे कंट्रीज हैं वहाँ पे ये जो थ्योरी था, ठीक ना, ये थ्योरी लगभग 1400 साल तक चली, मतलब ईसवी से स्टार्ट होने के बाद भी 1400 साल तक यही थ्योरी चलती रही। मतलब बाइबल्स अगर पढ़ोगे तो बाइबल्स में भी यही लिखा है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो कौन है, अर्थ है, मतलब अर्थ रुका हुआ है और बाकी सारे प्लैनेट्स और सन जो है उसके चारों ओर क्या कर रहे, घूम रहे, मतलब उनके अकॉर्डिंग पृथ्वी ही हमारा मुख्य बिंदु है, या हम कहें कि इस पूरे सोलर सिस्टम का जो मेन बॉडी है वो कौन है, अर्थ है। लेकिन आर्यभट्ट का कहना क्या था कि सन सेंटर पर है और चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे घूम रहे हैं, ठीक ना। लेकिन इस थ्योरी जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो थ्योरी डेवलप था, जो दार्शनिक वहाँ पे जो फिलोसफर्स हुआ करते थे वो इसी थ्योरी पे बिलीव करते थे, लेकिन जो सच होता है वो सच होता है, कभी किसी से छुपता नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक साइंटिस्ट आया, कॉपरनिकस, ठीक ना, क्योंकि देखो तब यहाँ से हम 1400-1500 साल पहले की बात करें, 2500 साल पहले की बात करें, तब मतलब उतना कम्युनिकेशंस नहीं हुआ करता था कि इंडिया कंट्री है या कोई दूसरी कंट्री, वो भी हमें तब नहीं पता था, वो धीरे धीरे डिस्कवरी होती गई और धीरे धीरे हमारा कम्युनिकेशन क्या होता गया, बढ़ता गया। इसीलिए यहाँ पे हम इंडिया में इस थ्योरी पे बिलीव करते थे, वेस्टर्न कंट्रीज इस थ्योरी पे बिलीव करते थे, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन वहाँ पे नहीं हो पाता था। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में एक साइंटिस्ट हुए कॉपरनिकस, ठीक ना, साइंटिस्ट हुए कॉपरनिकस, इन्होंने सबसे पहले ये बताया, क्योंकि साइंटिस्ट थे तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशंस के आधार पे बात करते थे, एक्सपेरिमेंट के आधार पे बात करते थे, जो चीज़ सत्य है उसी के आधार पे उन्होंने ये बताया कि ये जो हमारी थ्योरी है, जो हम थ्योरी पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये थ्योरी हमारा गलत है। मतलब जो हमारा सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो कौन है, अर्थ है, सॉरी सन है, और इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे। तो लोगों को वो बताने लगे कि सन रेस्ट पर है और अर्थ क्या कर रहा है, घूम रहा है। लेकिन ये चीज़, ये जो एक नई थ्योरी उन्होंने डेवलप किया, ये लोगों को हजम नहीं हुआ। तो वहाँ पे तब क्या करते थे, जो राजा महाराजा हुआ करते थे और जो वहाँ पे चर्च वगैरह थे, तो चर्च में जो पादरी हुआ करते थे उनकी बातों पे बिलीव करते थे लोग, क्योंकि ये जो कहते हैं वो ही सच है। तो जो पादरीज वगैरह थे उन्होंने कॉपरनिकस के जो थ्योरी था उनको उन्होंने क्या करा, विरोध किया कि ऐसा नहीं है। तो जब कॉपरनिकस नहीं माने तो कॉपरनिकस को उन्होंने क्या करा, फांसी दे दिया कि ये बाइबल्स के
खिलाफ बोल रहा है, बाइबल्स के विरुद्ध बोल रहा है, तो मतलब ये आदमी सही नहीं है। लेकिन फिर भी सच्चाई छुपती नहीं है। तो इसके बाद कॉपरनिकस के बाद आए कॉपरनिकस के बाद आए गैलीलियो। ठीक ना, देखो कॉपरनिकस के बाद आए गैलीलियो। ठीक ना, गैलीलियो ने भी कॉपरनिकस की जो थ्योरी है इस पे उन्होंने क्या करा, फोकस करा, इसको उन्होंने सपोर्ट दिया कि कॉपरनिकस जो बोल रहा है वो सच है। और कॉपर यहाँ पे जो गैलीलियो था, गैलीलियो एक प्रोफेसर था, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। अब जब एक प्रोफेसर है और साथ ही साथ वो एक साइंटिस्ट भी था, ठीक ना, तो लोगों ने गैलीलियो को सुनते थे। और पहले के टाइम में ऐसा था कि जो साइंटिस्ट जो बोलते थे वो लोग मानते थे, प्लस साइंटिस्ट को वो फॉलो करते थे। जैसे आज के टाइम में हम एक्ट्रेस उसको अपना वो मानते ना, आइडल मानते थे ना, तब लोग साइंटिस्ट को अपना आइडल्स मानते थे। तो कॉपर वो भी साइंटिस्ट, लेकिन गैलीलियो से पहले था वो, उसकी बातों को लोगों ने उतना बिलीव नहीं किया। लेकिन जब उसको सपोर्ट किया गैलीलियो ने जब उसको सपोर्ट किया तो गैलीलियो को लोग सुनने लगे, उनकी बातों पे लोग विश्वास करने लगे। लेकिन फिर वही है, राजा महाराजा और जो पादरीज थे, फिर गैलीलियो का उन्होंने क्या करा, विरोध किया कि ऐसा नहीं है। ठीक है, नहीं वो पहले देख होता क्या था, पहले मैथमेटिशियन साइंटिस्ट, मैं बता रहा हूँ, मैथमेटिशियन साइंटिस्ट और जितने भी दार्शनिक हुआ करते सब एक ही हुआ करते थे। जैसे हमारा आर्यभट्ट है, वो मैथमेटिशियन भी है, वो खगोलशास्त्री भी है, वो दार्शनिक भी है, क्योंकि तब साइंस के अलग अलग ब्रांचेस नहीं हुआ करते। जो फिलोसफर जैसे अरस्तु है, मतलब जो चीज़ों के बारे में भाषण दिया करते थे, या कोई जो नई नई थ्योरीज डेवलप करते थे, तब उस टाइम उसको फिलोसफर कहा करते थे, दार्शनिक कहा करते थे। तो ये सब एक ही हुआ करते थे, क्योंकि तब हमारा धर्म साइंस सब एक ही चीज़ पे बिलीव करते थे, और सारी सब ये मानते थे सब चीज़ एक ही है। ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे साइंटिस्ट साइंस डेवलप होते गया, वैसे वैसे उसके ब्रांचेस बनते गए। ठीक ना, तो सुनो, हाँ, जब गैलीलियो ने कॉपरनिकस को क्या करा, सपोर्ट किया, फिर लोग गैलीलियो को मानने लगे। लेकिन फिर वही हुआ, राजा महाराजा जो थे, फिर पादरी जो थे, वो फिर से गैलीलियो को क्या करने लगे, डिमोटिवेट करने लगे, मतलब ऐसा नहीं है। उन्होंने उनको धमकियाँ दी कि अगर तुम इस थ्योरी को अगर प्रमोट करोगे तो तुम्हें अपनी जॉब से हटा दी जाएगी। तो उनको बहुत सारा टॉर्चर भी किया, बहुत बार उनको टॉर्चर किया। लेकिन फिर बाद में गैलीलियो दबाव में आके कहने लगे कि यही थ्योरी सही है। लेकिन बाद में जब भाषण वगैरह वो दिया करते थे इधर, लेकिन बाद में कहते थे सच तो यह है कि सूर्य हमारा सेंटर पे है। मतलब पहले तो गैलीलियो ने सपोर्ट किया कि सन हमारे सेंटर पे है, लेकिन क्या हुआ कि जब उनको धमकियां मिलने लगी, पादरीज उनको टॉर्चर करने लगे, तो वो उनके टॉर्चर्स के डर से वो ये कहने लगे कि अर्थ सेंटर पर है। ठीक ना, लेकिन बाद में वो कहते थे सच तो ये है कि सन सेंटर में है, मतलब सच्चाई छुपती नहीं है। तो कुछ, और गैलीलियो एक ऐसा साइंटिस्ट है जिन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की साइंस में, गैलीलियो, हाँ, इन्होंने सबसे पहले दूरदर्शी भी बनाया, खगोल मतलब प्लैनेट्स वगैरह को ऑब्जर्व करने के लिए इन्होंने सबसे पहले वो भी बनाया था, दूरदर्शी भी बनाया। ठीक ना, हम जड़त्व का नियम पढ़ते हैं, जड़त्व का नियम भी गैलीलियो ने दिया, बहुत सारे उन्होंने, हाँ, बहुत सारे डिस्कवरीज भी गैलीलियो ने किया था। इसलिए गैलीलियो को क्या कहते हैं हम, फादर ऑफ फिजिक्स। जो फादर ऑफ फिजिक्स है वो क्या है, गैलीलियो, क्योंकि गैलीलियो ने फिजिक्स को बहुत ज़्यादा डेवलप किया। अब गैलीलियो के बाद आए एक साइंटिस्ट आए, टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे, ठीक ना, अब गैलीलियो के थ्योरीज को फिर ये भी सपोर्ट करने लगे। और ये ऐसे एक साइंटिस्ट थे जिनकी ज़्यादा मतलब तुम्हें नहीं मिलेगा पढ़ने को, टाइको ब्राहे। इन्होंने सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस किया प्लैनेट्स के और जितने भी स्टार्स हैं, क्योंकि सारे स्टार्स और प्लैनेट्स क्या करते, सर्कुलर मोशंस कर रहे थे। ठीक ना, तो टाइको ब्राहे क्या करते थे, एक एस्ट्रोनॉट्स के फॉर्म में, या एक आप कह सकते हो कि एक अंतरिक्षविद थे जो अंतरिक्ष के बारे में डिस्कवरी करते थे या अंतरिक्ष के बारे में वो अध्ययन करते थे। तो टाइको ब्राहे कर क्या रहे थे कि गैलीलियो ने जो टेलीस्कोप बनाया था, उस टेलीस्कोप की मतलब हेल्प से वो क्या करते थे, अलग अलग प्लैनेट्स की, अलग अलग स्टार्स की वो लोकेशंस नोट करते थे। कि जैसे मान लो एक ये सन है और सन के अराउंड अगर अर्थ रिवॉल्व कर रहे हैं, तो पहले आज अर्थ की लोकेशंस यहाँ पे हैं,
फिर वो देखते थे 5 दिन बाद अर्थ की लोकेशन कहाँ पर है, ठीक ना, फिर बुध है, बुध का लोकेशन यहाँ पे है, 5 दिन बाद कहाँ लोकेशन है। वो हमेशा क्या करते थे कि हर एक प्लैनेट्स, हर एक स्टार्स की वो डाटास कलेक्ट कर रहे थे कि आज प्लैनेट्स यहाँ पे हैं तो 5 दिन बाद कहाँ होगा प्लैनेट्स, ठीक ना, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो किस स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं और उसका रेडियस कितना है, मतलब वो कितनी किस त्रिज्यीय पथ पर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। वो सारे ऑब्जर्वेशंस करके वो सारी चीज़ों को क्या करते थे, नोट कर लेते डायरी में, ठीक ना, है हाँ, टाइकोग्राफी है, टी बाई इसको लिखते हैं TCHO टाइको ब्राहे, ठीक ना। देखो अब ये देख, अब टाइको ब्राहे मतलब क्या कर रहे थे कि सारे प्लैनेट्स और स्टार्स के लोकेशंस को नोट करते थे, उनके पूरी डाटा उन्होंने क्या करा, कलेक्ट किया, 4, 5, 7, 8 साल तक उन्होंने क्या करा, पूरा डाटा कलेक्ट किया। और उन्होंने इतना सारा डाटा कलेक्ट कर लिया था कि उनके सारे जितनी भी डाटा, मतलब जितनी भी डायरीज वगैरह थी उसको अगर किसी एक रूम में रख दो पूरा रूम भर जाएगा, इतना ज़्यादा उन्होंने डाटा कलेक्ट कर लिया था। लेकिन मतलब इनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि उन सारे डाटास को, जो जितना डाटा उन्होंने कलेक्ट किया था उन सारे डाटा को देख के और कुछ उससे निष्कर्ष निकाल सके, ठीक ना। तब तक इनकी डेथ हो चुकी थी। तो इसके बाद आए टाइको ब्राहे के बाद आए कैप्लर्स आए बाद नहीं टाइको ब्राहे के बाद, क्योंकि टाइको ब्राहे ने अब जितना भी उन्होंने डाटा कलेक्ट किया था, क्योंकि वो स्टडी नहीं कर पाए और स्टडी नहीं कर पाए तो इसलिए उन्होंने कोई रूल्स नहीं बना पाए या कोई लॉज वो नहीं बना पाए। तो इसी टाइको ब्राहे के जितने भी डाटा था उन्होंने इसके डाटा का यूज़ किया, किसने, कैप्लर ने यूज़ करने के बाद उन्होंने ग्रहों से रिलेटेड कुछ नियम्स बनाए, ठीक ना। तो कैप्लर्स के नियम्स है कुछ 3 नियम्स है जिसके हिसाब से सारा प्लैनेट्स क्या करता है, मूव करता है, ठीक ना। तो इस सबसे पहले देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, कॉपरनिकस ने स्टडी किया प्लैनेट्स की, उसके बाद गैलीलियो ने, फिर उसके बाद टाइको ब्राहे ने, और टाइको ब्राहे के बाद आए कैप्लर्स। मतलब कैप्लर्स बस इतना समझा पाए कि जो हमारा सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, सन है, वो किस तरीके से रोटेट कर रहा है या किस तरीके से वो घूम रहा है, उसका टाइम पीरियड मतलब आवर्तकाल कितने समय में वो सन का एक चक्कर लगा पाता है। वो इस सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने में सफल तो हो गए, लेकिन वो ये चीज़ नहीं बता पाए कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड घूम ही क्यों रहा है। कि जैसे एक सन है, इस सन के अराउंड ये बुध है, ये बुध इस सन के अराउंड क्यों घूम पा रहा है या क्यों घूम रहा है। जो हमारा अर्थ है, ये अर्थ जो है इस सन के चारों ओर सर्कुलर पाथ पे क्यों घूम रहा है, क्या रीज़न है घूमने का, ये चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया कैप्लर्स के बाद आके न्यूटन ने, किसने, न्यूटन। यहाँ से न्यूटन का युग स्टार्ट होता है, ठीक ना, कैप्लर्स के बाद। अब कैप्लर्स के थ्योरी का यूज़ करके, जैसे हम कहते हैं ना, हम क्या कहते हैं, हमें बचपन से एक चीज़ पढ़ाया जाता है कि न्यूटन ने एक सेब को गिरते हुए देखकर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम बनाया, ठीक ना। लेकिन ये चीज़ सही नहीं है, मतलब वो चीज़ बचपन में सिखाने के लिए या बताने के लिए हमें बताया जाता है कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था और नीचे एक सेब गिरा और उसी गिरते हुए सेब को देख के उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम बना दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि न्यूटन्स ने स्टडी किया पूरे कैप्लर्स को स्टडी किया, उन्होंने टाइको ब्राहे को स्टडी किया, क्योंकि अब कैप्लर्स इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर वृत्तीय कक्षा पे क्यों घूम रहे हैं, उस चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन कॉन्सेप्ट लाए किसका, गुरुत्वाकर्षण बल का, कि दो पिंड जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं तो उनके बीच में एक आकर्षण बल लगता है और उसी आकर्षण बल को उन्होंने क्या कहा कि वो गुरुत्वाकर्षण बल है। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं, या जितने भी सैटेलाइट्स हैं, जैसे हमारा चंद्रमा है, सैटेलाइट है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों घूमता है सर्कुलर पाथ पे। तो जब सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में भी क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ठीक ना, जिसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ पे घूम पा रहे हैं। और वो नेचुरल सैटेलाइट है, सैटेलाइट को कहते हैं उपग्रह है, ठीक है, अरे बस सुनिए। तो स्टार्ट हो देखो, अब मतलब एक गुरुत्वाकर्षण का थ्योरी डेवलप करने में कितने साल लग गए होंगे,
कॉपरनिकस है वो समझ नहीं पाए, गैलीलियो नहीं बता पाए, टाइको ब्रहे नहीं बता पाए, कैपलर्स भी नहीं बता पाए, बाद में न्यूटन्स ने बना। मतलब एक थ्योरी को अगर तुम देखो तो डेवलप होने में बहुत साल लग जाते हैं, लेकिन पढ़ना में 15-20 मिनट में उस थ्योरी को पढ़ के ख़त्म कर देते हैं। लेकिन उसको बनने में कितना साल लगा अगर वो सोचो तो, मतलब 2-4 पीढ़ियाँ ऐसी बीत गई होंगी, ठीक ना है क्या। हाँ तो पहला हेरिंग डाल्विनस में आर्यभट्ट, बस वो तो ये बता गए थे कि सूर्य सेंटर पर है और पृथ्वी और जितने भी प्लैनेट्स है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं और दोनों के बीच में एक बल है, आकर्षण बल है, वो चीज को बता के गए थे, ठीक ना। तो ये चीज बात नहीं बताई थी, लेकिन 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 फिजिक्स तभी वर्क करता है जब उसका कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस हो और जब उसको हम एक्सपेरिमेंटली क्या करें, प्रूफ करें, ठीक ना। वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मत करें, ठीक ना। अब एंड अंदर ग्रहों की गति, ग्रहों की गति, हाँ फर्स्ट हैंड डाल देना, ग्रहों की गति ग्रहों की गति लिखो। आकाश में ग्रहों की गति में लिखो, आकाश में सूर्य के चारों ओर, नहीं आकाश में सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर आकाश में, आकाश को ही अंतरिक्ष कहते हैं तुझे इतना पता हो तो, ठीक। आकाश में सूर्य के चारों ओर कुछ पिंड, कुछ पिंड, कुछ पिंड अपनी अपनी कक्षाओं में, अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं, परिक्रमण करते रहते हैं, परिक्रमण करते रहते हैं। इन पिंडों को, इन पिंडों को ग्रह कहते हैं, इन पिंडों को ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखना, लिखो लिखो, प्रत्येक ग्रह के चारों ओर, प्रत्येक ग्रह के चारों ओर कुछ आकाशीय पिंड, चारों ओर कुछ आकाशीय पिंड परिक्रमण, परिक्रमण करते रहते हैं, कुछ आकाशीय पिंड परिक्रमण करते रहते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं, उपग्रह सैटेलाइट्स, ठीक ना, उनको उपग्रह कहते हैं, सैटेलाइट्स कहते हैं, ठीक। किस में, उर्दू में नहीं पता मुझे, नेक्स्ट हैंड डाल देना। चुनो नेक्स्ट हैंड डाल देना, ग्रहों के गति संबंधी कैपलर के नियम, ग्रहों की गति संबंधी कैपलर्स के नियम, हाँ इंग्लिश में कहते हैं कैपलर्स, एवस्ट्रॉप के एस लगता है, कैपलर्स लो। देखो बात है, कैपलर्स के नियम, कैपलर्स ने जो है ग्रह की स्टडी करने के बाद, मतलब टाइको ब्रहे ने जो भी स्टडी किया था उसी ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने अपना कुछ नियम प्रतिपादित किया जिसको हम क्या कहते हैं,
कैपलर्स के नियम। तो कैपलर्स के तीन नियम है, ठीक है ना, कैपलर्स के तीन नियम है। पहला नियम है कक्षा का नियम, जो प्रथम नियम है, ठीक है ना, इसको कहते हैं कक्षा का नियम, ठीक ना, लॉ ऑफ ऑर्बिट, इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो कहेंगे लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है ना। हाँ, ऑर्बिट का मतलब कक्षा। देखो तो जो टाइको ब्राहे के जितने भी ऑब्जर्वेशंस थे उसके आधार पे कैपलर्स ने ये बताया कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, आठ जो प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के चारों ओर एक वृत्तीय कक्षा पर गति करता है, ठीक है ना। ये हमारा सूर्य है तो इसके चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा पर गति करता है, ठीक है ना। नहीं मतलब सर ये किसने बताया कि पृथ्वी गोल है? मैंने बताया था। बताओ ना सर, ये क्वेश्चन है सर, ये क्या? मैं बता तो रहा हूँ, मैंने बताया था। क्या ये भी बताएंगे ना सर? ठीक, देखो जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा पर गति करते हैं। दीर्घवृत्तीय कक्षा का मतलब क्या है? ओवल शेप में, अंडे के आकार का, ठीक ना, ओवल शेप होता है, जिसके दो फोकस होते हैं, एक यहाँ पे इसका एक फोकस होता है, यहाँ पे एक इसका फोकस होता है, ठीक ना, जिसके एक फोकस पर सूर्य स्थित है, मतलब इसके एक फोकस पे यहाँ पे क्या है? सूर्य। इसके सेंटर पर नहीं है, जो दीर्घवृत्तीय कक्षा है इसका जो केंद्र है, इस केंद्र पर सूर्य स्थित नहीं है। सूर्य कहाँ पर स्थित है? उसके एक फोकस पर स्थित है। तो इसका पहला जो नियम है, कक्षा का नियम है, या लॉस ऑफ ऑर्बिट जो है, वो क्या कहते हैं कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा पर परिक्रमण करते हैं, जिसके एक फोकस पर सूर्य स्थित है, जिसके या तो इस फोकस पर या इस फोकस, किसी एक फोकस पर हमारे क्या सूर्य स्थित है, जिसको हम क्या कहते हैं? कक्षा का नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट। इसके बाद उन्होंने दिया सेकंड, जो द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम में उन्होंने ये बताया कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर तो लगा रहे हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर तो लगा रहे हैं, लेकिन उनका जो एरियल वेलोसिटी है, क्षेत्रफलीय वेग या क्षेत्रीय वेग जो है, ये उसका नियत है, ठीक ना, क्षेत्रीय वेग नियत। क्षेत्रीय वेग नियत होने का मतलब क्या है कि वो इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल एरिया को स्वीप करता है, मतलब इक्वल टाइम एरिया, इक्वल टाइम में वो हमेशा इक्वल एरिया बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर पृथ्वी हमारा यहाँ पर है, मान लो पृथ्वी हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ से वो अगर टी समय में, मतलब ए पोजिशन से कहाँ पर चला जाता है? बी पोजिशन पर। अगर सन को हम क्या मान लें? अपना सेंटर मान लें, सन को हमारा अपना सेंटर मान लें, तो यहाँ से यहाँ तक एक ट्रायंगल शेप में बनेगा, तो इसके बीच में कुछ एरिया स्वीप हो रहा है ये, ठीक। मान लो ये कितने समय में हो रहा है? डेल्टा टी समय में हो रहा है, मान लो, ठीक ना। पहले शुरू में मान लो पृथ्वी हमारा ए लोकेशन पर था, डेल्टा टी समय बाद वो कहाँ चला गया? बी लोकेशन। तो इस त्रिज्या के सापेक्ष उसने कुछ एरिया स्वीप किया, एरिया बनाया। ये वाला एरिया अगर मान लो किसी समय सन जो है वो सी लोकेशन पर है, कहाँ पर है? सी पर है, और इतने ही समय अंतराल में यहाँ से डेल्टा टी समय अंतराल में वो सी से कहाँ पे चला जाता है? डी पे चला जाता है। तो इस कंडीशन में भी कुछ एरिया स्वीप करेगा ये, ठीक ना। जब ये टाइम इंटरवल सेम होगा, जब ये टाइम इंटरवल सेम होगा, तो उस कंडीशन में ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर होगा, मतलब एरिया ऑफ ए बी एस बराबर एरिया ऑफ एस सी डी। हाँ बता, क्या हुआ? घर जाने जा, चले जा, चल जाएगी। देखो अब इस चीज को समझो, ठीक ना, इसका जो द्वितीय नियम है, सेकंड लॉ है, ये एरियल वेलोसिटी को शो करता है। एरियल वेलोसिटी क्षेत्रीय वेग, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड अगर दीर्घवृत्तीय कक्षा पर गति कर रहा है, तो हमेशा वो इक्वल समय में इक्वल एरिया को क्या करेगा? स्वीप करेगा।
इसका मतलब क्या है कि अगर प्लैनेट सन से बहुत दूरी पर है, ज़्यादा दूरी पर है, तो वो कम स्पीड से चलता है, और जब वो सन के पास में आ जाता है तो वो तेज़ी से चलता है ना। इसलिए ऑब्जर्व करना, डे और नाइट का जो टाइम्स होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि उनका जो लोकेशन है सन और अर्थ का जो लोकेशन है वो क्या होता है, वेरी करता रहता है। हाँ, इसी वजह से ठंड और गर्मी भी होती है। जब सन जो है, सन अर्थ के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, तब मौसम क्या होता है, विंटर का जाता है। जब वो सन के पास में आ जाता है अर्थ, तब हमारा मौसम क्या हो जाता है, समर का हो जाता है। ठीक ना, है किस पे? नहीं, इस पे नहीं पड़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, अब जैसे जैसे दो चार डैम हमने इतने बड़े बड़े बनाए हैं, ठीक ना, जिसका इफेक्ट अर्थ के मोशन पे पड़ रहा है, मतलब उसका जो स्पीड है वो थोड़ा स्लो हो गया है उस डैम की वजह से, क्योंकि एक जगह बहुत ज़्यादा पानी क्या कर दिया हमने, स्टोर कर दिया ना, तो उसकी वजह से उसका स्पीड जो है वो थोड़ा सा स्लो हो गया। लेकिन इस पर आ जाते हैं, तो देखो द्वितीय नियम हमारा क्षेत्रीय बेक का नियम है। इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं कि हर कोई प्लैनेट्स अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं तो इक्वल समय में, समान समय में, समान क्षेत्रफल तय करता है या समान क्षेत्रफल स्वीप करता है। इसका मतलब है कि जब प्लैनेट सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी पर होगा वो स्लोली मूव करता है, ठीक ना, जब प्लैनेट्स सन के पास में होते हैं तो वो उसके कंपैरिजन में फास्ट मूव करता है। अरे वैसे में अच्छा, थर्ड नियम इन्होंने जो दिया है, प्रूव करेंगे इसको। हाँ लिखाऊंगा। जो तृतीय नियम है, हाँ, जो तृतीय नियम था, तृतीय नियम दिया इन्होंने, आवर्तकाल का नियम, आवर्तकाल का नियम, आवर्तकाल का नियम, टाइम लॉज ऑफ टाइम पीरियड। इसके अकॉर्डिंग देखो, इन्होंने दो चीज तो एक्सप्लेन कर दिया था कि जो भी प्लैनेट्स हैं वो किस ऑर्बिट में मूव करता है, किस तरीके की कक्षा में मूव करता है, दीर्घवृत्त वृत्ताकार कक्षा में मूव करता है। अच्छा, द्वितीय नियम में उन्होंने ये बता दिया था कि किसी प्लैनेट्स का जो प्लैनेट की जो स्पीड है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो स्पीड कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम होगा तो स्पीड बढ़ जाएगा। अरे बस ना, उस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर दिया था। अब एक्सप्लेन करना था उनको टाइम पीरियड को, कि जो प्लैनेट्स है, जो प्लैनेट पास में है, जैसे हमारा बुध है, ठीक ना, बुध का अगर टाइम पीरियड देखोगे, मतलब उसका जो परिक्रमण काल देखो बहुत कम होता है, 88 डेज का होता है। मतलब 88 डेज में क्या करता है बुध, सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन वही अगर पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी 365 दिन में अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है, ठीक ना। और इसके बाद जितने भी प्लैनेट, जैसे बृहस्पति है, वहाँ पे 200-300 साल में वो कंप्लीट करते हैं। तो उस चीज़ को भी एक्सप्लेन करना था कैप्लर्स को, ठीक ना। तो कैप्लर्स ने आवर्तकाल के लिए क्या नियम बताया, बात नहीं, ये देख, आवर्तकाल के उन्होंने क्या नियम बताया, जो हमारा दीर्घवृत्त होता है, इस दीर्घवृत्त में दो अक्ष होते हैं, एक ये वाला अक्ष होता है, इसको कहते हैं हम दीर्घ अक्ष, इसको कहते हैं हम दीर्घ अक्ष, ठीक ना, और ये जो होता है जिसको कहते हैं हम लघु अक्ष, ठीक ना। जो दीर्घवृत्त होता है, दीर्घवृत्त में दो अक्ष होते हैं, एक होता है लघु अक्ष, सॉरी दीर्घ अक्ष, और एक होता है लघु अक्ष। छोटा वाला जो अक्ष है, ये इसके सेंटर से जो पास होगा, इसको कहेंगे हम, ये वाला जो लाइन है, ये इस वाले लाइन को क्या कह रहे हैं हम, दीर्घ अक्ष, और ये वाला जो लाइन है इसको क्या कह रहे हैं हम, लघु अक्ष कह रहे हैं, ठीक ना। हाँ, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष। तो इस दीर्घ अक्ष की अर्ध जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये होता है ए, और लघु अक्ष की जो लंबाई ये होता है हमारा बी। तो आवर्तकाल के नियम में उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि किसी भी प्लैनेट्स का जो आवर्तकाल है उसका वर्ग, आवर्तकाल का वर्ग समानुपाती होता है, आवर्तकाल का वर्ग समानुपाती होता है उस दीर्घवृत्ताकार कक्ष के अर्ध दीर्घ अक्ष के क्यूब के बराबर, अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई के क्यूब के बराबर होता है। ए जो टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर इस प्रोपोर्शनल होता है किसके, ए क्यूब के। इसका मतलब है कि दीर्घ अक्ष की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी हमारा टाइम पीरियड क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक ना। तो लिखो एक एक करके, लिखो इसमें प्रथम नियम में कैपलस के जो नियम्स लिखा है इसमें लिखो,
देखो इसमें मान लेते हैं कि माना किसी समय टी पर ग्रह का जो स्थिति है वो कहाँ पर है, ए पर है, ठीक ना, किसी समय टी पर, और इसका एस के सापेक्ष जो कोणीय ध्रुवीय निर्देशांक है वो कितना है आर, मतलब इस रेखा से जो दीर्घ अक्ष है, दीर्घ अक्ष से थीटा कोण पर है और एस से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है। डेल्टा टी समय अंतराल में ग्रह ए से कहाँ पर आ जाता है, बी पर, ठीक ना, डेल्टा टी समय अंतराल में ए से कहाँ पर आ गया, बी पर। तो इस टाइम इंटरवल में उसने कितना एरिया स्वीप किया है वो निकालते हैं, तो क्षेत्रफल, हाँ क्षेत्रफल डी ए, छोटा सा एरिया है ये, इसको रिप्रेजेंट करते किसे, डेल्टा ए से, डेल्टा ए, तो डेल्टा ए बराबर हो जाएगा, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र एक बटे दो आधार गुणा ऊंचाई, ठीक ना। अगर ये जो बी ए जो हमारे हमारे पास भुजा है ये बहुत ही छोटा हो, बहुत ही छोटा हो लगभग लगभग, तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में बी ए हो जाएगा हमारा लंबाई, सॉरी लंब मतलब उसकी ऊंचाई, और ये हो जाएगा दो इस तरीके से, ये एस ए है ना, यहाँ पे जो बी ए कोण है इसको अगर बहुत ही छोटा कर दोगे, बहुत क्या कर दोगे, छोटा कर दोगे, तो यहाँ पे लगभग लगभग कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का, और ये हो जाएगा हमारा बी, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा हमारा ऊंचाई और ये हो जाएगा हमारा आधार, तो क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा एक बटे दो आधार गुणा ऊंचाई, आधार हो जाएगा हमारा एस ए इंटू ऊंचाई हो जाएगा ए बी, ठीक। तो देखो एक बटे दो एस ए किसके बराबर है, हाँ एस ए त्रिज्या आर के बराबर हो जाएगा, इंटू ए बी किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा टी तो समय है दूरी थोड़ी है, ए बी क्या हो जाएगा, देख इसको देख, ये हमारा चाप है, ये हमारा थीटा है, ये हमारी त्रिज्या है, तो चाप बराबर क्या होता है, थर्ड चैप्टर में पढ़ा, चाप बराबर आर इंटू थीटा, चाप बराबर क्या होता है, आर इंटू थीटा, तो ए बी जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आर इंटू थीटा, मतलब यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनना है, डेल्टा थीटा बनना है, तो हो जाएगा डेल्टा थीटा, तो हो जाएगा एक बटे दो आर स्क्वायर बाय डेल्टा थीटा, ये किसके बराबर हो गया, डेल्टा ए के बराबर हो गया। अच्छा इसको हम अगर डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं, डेल्टा टी से अगर भाग कर देंगे तो क्या जाएगा, डेल्टा ए बटे डेल्टा टी बराबर एक बटे दो आर स्क्वायर डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी, डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। अच्छा डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी क्या है, अगर थीटा को अगर कोणीय विस्थापन मानो तो ये कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर है, तो ये क्या जाओ कोणीय वेग, और कोणीय वेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ओमेगा से, तो एक बटे दो आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। अगर मान लो समय अंतराल बहुत ही छोटा है, ये तो क्या डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, अगर डेल्टा टी बहुत ही क्या हो सूक्ष्म हो, तो उस कंडीशन में डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू एक बटे दो आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक ना, ये हो गया हमारा एक इक्वेशंस। इसके बाद अगर हम मान लेते हैं, माना सूर्य के चारों ओर घूमते पिंड का कोणीय संवेग, कोणीय संवेग जे हो, तो देखो अब कोणीय संवेग घूर्णन गति में पढ़ते हैं हम, ठीक ना, जैसे हमने पढ़ा है रेखीय संवेग ना, जब कोई भी चीज स्ट्रेटली मूव करता है, जब कोई भी वस्तु अगर एक रेखीय गति कर रहा है, इसके पास वी वेग है, ठीक ना, इसका द्रव्यमान एम है, तो उसके पास क्या होता है, एक संवेग होता है पी इक्वल टू एम इंटू वी, ठीक ना, इसको क्या कहते हैं हम रेखीय संवेग। तो रेखीय संवेग होता है जब वस्तु क्या करता है, स्ट्रेट मूव करता है, सरलीखीय पथ पर मूव करता है। लेकिन यहाँ पे अगर प्लैनेट्स को देखोगे, अगर अर्थ को देखोगे, तो अर्थ क्या कर रहा है, वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, मतलब यहाँ पे इसका घूर्णन गति है। अगर वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो यही रेखीय संवेग कहलाता है, उसका क्या कोणीय संवेग, क्योंकि वहाँ पे रोटेट कर रहा है ना, तो रोटेशन में रेखीय संवेग कन्वर्ट होता है किसमें, कोणीय संवेग में, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जे से, ठीक है ना।
तो कोणीय संवेग जे बराबर होता है, देखो नहीं जे जे बाद नहीं, जे बराबर होता है पी इंटू आर, पी इंटू आर ठीक ना, जे इसका कोणीय संवेग वो भी बता रहा था मैं अभी, पी पी बराबर क्या होता है एम बी, पी बराबर क्या होता है एम बी आर। अगर वी को अगर ओमेगा में कन्वर्ट करे तो हमने एक रिलेशन बढ़ा था हमने कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध, कोणीय वेग रेखीय वेग बराबर क्या होता है आर ओमेगा, रेखीय वेग बराबर क्या होता है आर गुणा ओमेगा, ओमेगा यहाँ पे क्या है इसका कोणीय वेग है ठीक ना, तो यहाँ पे एम वी बराबर क्या ले सकते हैं एम आर ओमेगा इन टू आर, तो ये जगह एम आर स्क्वायर ओमेगा। अगर यहां से हम आर स्क्वायर ओमेगा का वैल्यू निकालते हैं आर स्क्वायर ओमेगा तो क्या जाएगा जे बटे एम, देखो यहाँ पे आर स्क्वायर ओमेगा आ गया ना ये, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा एम को इसके डिवाइड में भेज दो तो आर स्क्वायर ओमेगा बराबर क्या जे बटे एम, इसका वैल्यू देखो यहाँ पे आर स्क्वायर ओमेगा है इसकी जगह क्या रख दो जे बटे एम, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू क्या आएगा एक जे बटे टू एम, जे बटे टू एम। अब देखो डी ए अपॉन डी टी क्या है हमारा नियत है, डी वी अपॉन डी टी हमारा क्या है नियत है, ये नियत है तो ये नियत होने का मतलब क्या है जे भी हमारा क्या होगा नियत हो, क्योंकि एम तो हमारा नियत है ही, जो ग्रह का जो द्रव्यमान है वो तो हमारा कॉन्स्टेंट है वो तो चेंज नहीं होगा, जब ये चेंज नहीं होगा तो डी ए अपॉन डी टी हमारे पास क्या है कॉन्स्टेंट है नियत है, तो उस कंडीशन में जी जे क्या होगा हमारा नियत। इसका मतलब क्या है कि जो प्लैनेट्स प्लेनेटरी मोशन है कैपलर्स का सेकेंड लॉ है ये किस नियम को फॉलो करता है, ये फॉलो करता है कोणीय संवेग संरक्षण के नियम को, किसको कोणीय संवेग संरक्षण, मतलब जब एक मिनट रुक जा, जब कोई भी प्लैनेट्स मूव करता है सर्कुलर पाथ पे या इलेप्टिकल पाथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षा पर तो उस कंडीशन में उसका कोणीय संवेग क्या रहता है संरक्षित रहता है, तो हम ये कह सकते हैं कि कैपलर्स का जो द्वितीय नियम है वो किस नियम को फॉलो करता है कोणीय संवेग संरक्षण के नियम को फॉलो करता है। अरे बस सुनिए, हाँ अब बता क्या पूछ रहा था।